नमस्कार, एशियन 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश शर्मा और आप देख रहे हैं खबर छत्तीसगढ़। रायगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक ने सारंगढ़ के ग्राम किराड़ में जन चौपाल लगाई, जहां एसपी संतोष सिंह ने चौपाल में आए ग्रामीणों व आम जनों की समस्याएं सुनी और उनका निराकरण भी किया। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हम पुलिस और जनता के बीच की दूरियां खत्म करने आए हैं और इस चौपाल के माध्यम से पुलिस की छवि जनता के बीच सुधरेगी। वहीं गलत काम में संलिप्त लोगों को दो टुक में कहा कि वे सुधर जाएं, पुलिस उन्हें माफ नहीं करेगी। पुलिस चौपाल कार्यक्रम में केदार थाना पहुंचे पुलिस कप्तान संतोष सिंह ने उपस्थित ग्रामीण आमजनों, पत्रकारों व जन प्रतिनिधियों संबोधित करते हुए अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि पुलिस आपकी है, आपको पुलिस से डरने की आवश्यकता नहीं। कहा कि पुलिस के कड़क कार्यशैली के चलते आम जन और पुलिस के बीच की दूरियां खत्म करने के लिए यह पुलिस चौपाल का कार्यक्रम जिले के सभी थाना क्षेत्रों में किए जा रहे हैं, जिससे पुलिस और आम नागरिकों के रिश्ते मजबूत हों एवं साथ मिलकर समाज में फैली सभी प्रकार की दुष्कृतियां जड़ से खत्म हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि जो बुरे काम करते हैं, दो नंबर के धंधों में लिप्त हैं, उन्हें स्वाभाविक है कि वे पुलिस से डरें, उन्हें डरना चाहिए। वहीं अधीक्षक ने कहा, हमारे द्वारा समर्पण कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। इस कैंपेन के तहत परिजनों से पीड़ित बुजुर्गों, बेसहारा लोगों को न्याय दिलाया जाता है व उनके परिजनों को समझाइश दी जाती है कि अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें। उनके द्वारा समर्पण के जरूरतमंद लोगों को उचित न्याय पुलिस के द्वारा दिलाया जाएगा। आज केदार थाना परिसर में पुलिस जोन चौपाल लगाया गया था, जिसमें बेसिकली ये लोगों के बीच एक इंटरेक्शन का प्रोग्राम था, जहां लोगों की समस्याएं भी सुनी गई। लगभग दो दर्जन के आसपास मामले लोगों के आए हैं, जिसका कुछ का डिस्पोजल अगले कुछ दिनों में किया जाएगा। कुछ ऐसे मामले हैं जिसका राजस्व से संबंधित मामले हैं, जिसका भी डिस्पोजल किया जाएगा। साथ ही साथ आज क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए, उन्होंने भी कुछ अपनी समस्याएँ रखी, उसको भी सुना गया। और नया थाना केदार अभी बना है, कई सारी चीज़ें यहाँ जरूरत की आवश्यकताएं भी हैं, जिसको भी लोगों ने इसको उठाया है। पुलिस का समर्पण अभियान पूरे ज़िले में चलाया जा रहा है, जिसके तहत वृद्ध जनों को और सीनियर सिटीजन के लिए पुलिस द्वारा संवेदनशीलता के साथ उनके लिए कई सारे आयोजन किए जा रहे हैं। आज कुछ वृद्ध जनों का यहाँ सम्मान भी किया गया। आगे आने वाले समय में भी हम लोग वृद्ध जनों का सदस्यता फॉर्म करके भरवा के उनकी समय समय पर उनको थाने में बुला के या उनके पास जाके उनकी समस्याएं सुनी जाएगी। इस तरह का जन चौपाल का उद्देश्य ये रहता है कि लोगों के बीच एक चलित थाना की तरह उनकी बात वहां जाके सुनी जाए, साथ साथ आसपास के लोग जो अपनी बात भी रख सकें। वैसे समय समय पर लोग जब नीचे थाने स्तर पे उनकी समस्याओं का निदान नहीं होता तो हायर ऑफिसर्स में आते हैं, लेकिन कई बार उनका आना संभव नहीं होता, तो इस तरह के चौपाल जो है उसमें लाभकारी सिद्ध होते हैं। कैमरामैन अंगद गोस्वामी के साथ मुकेश शर्मा की रिपोर्ट, एसीएन 24। सारंगढ़ के नवीन किरार थाना में एसपी का आगमन हुआ, जहां उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी व समस्याओं का निराकरण भी किया। वहीं पत्रकारों ने अमितेश के सरमानी के खिलाफ हुए झूठे एफआईआर को लेकर एसपी के सामने अपनी बातें रखी। सारंगढ़ के नवीन किरार थाना में रायगढ़ एसपी संतोष सिंह का पुलिस जन चौपाल में आगमन हुआ, जहां एसपी संतोष सिंह ने लोगों की समस्याएं सुनी, साथ ही उनका निराकरण भी किया। वहीं सारंगढ़ की स्थानीय अखबार के संपादक अमितेश किसरवानी के खिलाफ हुए एफआईआर को लेकर सारंगढ़ के पत्रकारों ने एसपी संतोष सिंह के सामने अपनी बात रखी। पत्रकारों ने कहा कि अगर विज्ञापन के पैसे मांगने के बदले हम पर झूठे एफआईआर होते रहे तो हम कैसे काम कर पाएंगे। पत्रकारों ने कहा कि अमितेश केसरवानी के खिलाफ की गई एफआईआर एक साजिश के तहत की गई है, जबकि अमितेश केसरवानी के पास विज्ञापन से संबंधित बिल भी उपलब्ध है। साथ ही जिस दिन अखबार में सरपंच मोती पटेल का विज्ञापन लगा था, वह उसकी सहमति से लगा था। बावजूद सरपंच मोती पटेल ने सारंगढ़ थाने में पत्रकार अमितेश व उनके साथी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है, वह समझ से परे है। वहीं इस पूरे मामले पर एसपी संतोष सिंह ने कहा कि पत्रकारों को डरने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी निष्पक्ष और निर्भीक होकर अपना काम करें। अगर आपको कहीं से धमकी या झूठे मामलों में फंसाने की साजिश की जानकारी मिलती है तो आप सीधा मुझसे संपर्क करें, मामले की मैं स्वयं संज्ञान लूंगा। वहीं आगे उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी स्वयं एक पत्रकार हैं और मैं पत्रकारों की पीड़ा को अच्छी तरह समझ सकता हूं। पत्रकार अमितेश केसरवानी के मामले में पूरे पारदर्शिता के साथ
सीएसपी जांच कर रहे हैं। आप सभी निश्चित रहें, यदि आप सही हैं तो आपके साथ गलत नहीं होगा। वहीं रायगढ़ एसपी के आश्वासन के बाद सारंगढ़ के पत्रकारों ने उनको धन्यवाद ज्ञापित किया। वहीं इस दौरान सारंगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार दीपक थवाइत, किशोर मनहर, राहुल भारती, मुकेश शर्मा, मयूरेश केसरवानी, नरेश चौहान, दिनेश जोल्हे, संतोष चौहान, राजा खान, कृष्णा महलाने, राम कुमार थोरिया, चंद्रिका भास्कर, विजय भारद्वाज, श्याम पटेल, गुलशन लहरे, मुकेश जोल्हे, राजू कीर्ति चौहान, योगेश कुर्रे, टार्जन महेश, पंकज कुर्रे समेत समस्त युवा पत्रकार उपस्थित रहे। एक मामला हम लोग के पास यहाँ सारंगढ़ में एक FIR दर्ज हुआ है, जिसमें कुछ सरपंचों ने पत्रकारों के खिलाफ मामला दर्ज करा है। उस मामले को भी दोनों पक्षों द्वारा आज एक ज्ञापन दिया गया है। इसमें जो भी उचित कार्रवाई होगी, मामले को गंभीरता को देखते हुए एक DSP रैंक के अधिकारी को CSP रायगढ़ को इसमें जाँच अधिकारी बनाया गया है, और उसके हिसाब से हम लोग जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उसको करेंगे। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट, ACN 24। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए ACN 24।